यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस है। जैसा आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने टीएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन किया हुआ है। तो वैकेंसी निकली है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में। आपकी पोस्टिंग है जो यूपी के अलग, यहाँ पर जो वैकेंसी है, सॉरी, यूपी, आंध्र प्रदेश और जो अलग अलग जगह कैंसर इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पर आपकी पोस्टिंग है जो की जाएगी। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन आया था 15 दिसंबर 2022 को, 15 दिसंबर को, लेकिन अभी फॉर्म फिलअप हो रहे हैं इसलिए मैंने वीडियो आपके लिए बनाया है। लास्ट डेट है आपके लिए फॉर्म फिलअप करने की 10 जनवरी 2023। जितनी भी टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल की वैकेंसी निकलती है, मैं आपको बता दूं, आपको एज एन स्टेट गवर्नमेंट में जो आप स्टाफ नर्स की जॉब करते हैं उससे ज़्यादा यहाँ पर सैलरी दी जाती है, आपको सुविधाएँ दी जाती हैं और इसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल रहते हैं फॉर्म फिलअप करने के लिए। अब आप यदि फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं जिन्होंने अभी तक नहीं किए हैं तो प्लीज़ फॉर्म फिलअप कीजिए। यहाँ पर आपका रिटर्न एग्ज़ाम होता है तो आपको कोई पार्शियलिटी के चांसेस ही नहीं रहते कि आपको कुछ भी करप्शन वगैरह के थ्रू आपकी पोस्टिंग की जाए। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि वैकेंसी किस किस के लिए है। तो यहाँ पर अलग अलग टाइप की पोस्ट निकली है। तो यहाँ पर हम नर्सेस की पोस्ट की बात करेंगे तो टोटल 122 वैकेंसी है। यहाँ पर 122 पोस्ट हैं। कहाँ के लिए? मुंबई के लिए, टीएमसी मुंबई के लिए। 90 वैकेंसी है मुजफ्फरनगर के लिए। तो यहाँ पर पे आपको किया जाएगा 44,900 से लेके, प्लस अलाउंस वगैरह आपके सब कुछ यहाँ पर ऐड रहेंगे। 30 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट है, 10 जनवरी 2023 तक आपकी एज है जो 30 साल होना चाहिए। फिर यहाँ पर 30 से ज़्यादा के होंगे तो आप अप्लाई ना करें। फिर यहाँ पर जो एज एन गवर्नमेंट की जो यहाँ पर रूल्स रेगुलेशन आते हैं एज को लेके, वो आप एक बार रिचेक कर लें। यहाँ पर जीएनएम वाले अप्लाई कर सकते हैं लेकिन उनके पास एक साल क्लिनिकल हॉस्पिटल में काम करने का एक्सपीरियंस भी हो और आपके पास डिप्लोमा हो ऑन्कोलॉजी नर्सिंग का। यदि जो लोग पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग वाले अप्लाई करते हैं उनके साथ एक साल का क्लिनिकल एक्सपीरियंस मांगा है। जो भी लोग क्लिनिकल एक्सपीरियंस, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग वाले यदि क्लिनिकल एक्सपीरियंस लगाते हैं तो उनको ज़्यादा है जो कंसिडरेशन दिया जाएगा। यदि जिनके पास, अब जीएनएम वालों को एक और ऑप्शन है, यदि जिनके पास साफ साफ कहा है, जिन्होंने, जिनके पास डिप्लोमा नहीं है ऑन्कोलॉजी का एक साल का, तो वो लोग, उन्होंने एटलीस्ट पाँच साल तक है जो क्या किया हो, काम किया हो। कैंडिडेट हु हैव डन डिप्लोमा इन नर्सिंग ऑन्कोलॉजी इन टीएमसी एंड सर्व द एंटायर बॉन्ड पीरियड विल बी गिवन रिलैक्सेशन एज बाय 5 ईयर। मतलब कि जिन्होंने टीएमसी में काम कर रहे हों, जिन्होंने जीएनएम नर्सिंग के बाद है जो टीएमसी में काम किया है, तो उनको यहाँ पर 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। आपके पास इंडियन नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है, आपको हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन लगा होना चाहिए, आपके पास जीएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग जो भी किया है आपका, आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए या तो इंडियन नर्सिंग काउंसिल का या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल का। अब यहाँ पर आपकी पोस्टिंग कहाँ की जाएगी, जो मुंबई के लिए अप्लाई करते हैं तो 122 पोस्ट है। आपकी पोस्टिंग होगी टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल पैरल मुंबई में हो सकती है या फिर महात्मा गांधी पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर सेंटर एंड होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर बनारस यूपी के लिए या फिर मुजफ्फरनगर के लिए। तो इन तीन जगह में से कहीं पर आपकी पोस्टिंग है जो हो सकती है। फिर आता है नर्स ग्रेड बी। तो यहाँ पर कहा है आपको 47,600 रुपये पर मंथ पे किया जाएगा। 30 पोस्टिंग है यहाँ पर जिसमें आपकी एज लिमिट 35 ईयर रखी गई है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए जीएनएम का, लेकिन साथ में 6 साल का, सॉरी, जीएनएम के साथ साथ आपके पास ऑन्कोलॉजी नर्सिंग का डिप्लोमा तो होना ही होना चाहिए, लेकिन 6 साल का एटलीस्ट 100 बेड हॉस्पिटल में काम करने का एक्सपीरियंस। बेसिक बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग वालों के पास 6 साल तक 100 बेडेड हॉस्पिटल में काम करने का एक्सपीरियंस मांगा है। फिर यहाँ पर कहा प्रेफरेंस उनको दी जाएगी जिन्होंने हॉस्पिटल में एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्स किया हो या फिर ऑन्कोलॉजी में, ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में काम करने का एक्सपीरियंस हो उनके लिए। यहाँ पर भी आपके पास इंडियन नर्सिंग काउंसिल या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है। आपकी पोस्टिंग यहाँ पर मुजफ्फरनगर और बनारस का जो महात्मा पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर सेंटर है वहाँ पर की जाएगी।
फिर नर्सेस ग्रेड सी के लिए पोस्ट है, तो यहाँ पर 53,500 है जो पे किया जाएगा। पोस्टिंग होगी आपकी आंध्रा में 5 वैकेंसी हैं, मुजफ्फरनगर के लिए यहाँ पर 50 और वैकेंसी हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर पे भी आपको लेवल 9 से पे किया जाएगा। तो जैसे जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, तो यहाँ पर ये देखिए 3 से 4 टाइप की पोस्ट हैं, जिसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। आपको करना क्या है, फर्स्ट जो लेवल 7 से पे किया जाएगा, यहाँ पर जिनके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है बीएससी नर्सिंग या फिर जीएनएम किया है, तो ऑन्कोलॉजी डिप्लोमा हो आपके पास, तो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं लेवल 7 वाली पेमेंट में। फिर यहाँ पर जो नेक्स्ट नर्सेस बी में, तो यहाँ पर 30 पोस्ट हैं, जिसमें यहाँ पर लेवल 8 से आपको पे किया जाएगा, लेकिन आपको 6 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। क्लियर। फिर नर्सेस सी में आपके लिए सी कैटेगरी है, तो यहाँ पर लेवल 9 से पे किया जाएगा, लेकिन आपके पास 12 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, 12 ईयर तक, यदि आपके पास 12 ईयर का एक्सपीरियंस हो तो। लेकिन यहाँ पे आपको सैलरी भी ज़्यादा दी जाएगी, एज लिमिट में भी आपको 40 ईयर्स तक है। सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए इन्होंने साफ साफ कहा है कि आपका सिलेक्शन बेस्ड ऑन आपका रिटर्न एग्ज़ाम और स्किल टेस्ट के बेस पर होगा। अब यहाँ पर रिटर्न एग्जामिनेशन में क्या होने वाला है, तो LDC के लिए दिया गया है कि लोअर डिविजनल क्लर्क वाला है। हम नर्सिंग वालों के लिए देखेंगे कि नर्सिंग वालों के लिए किस तरीके का सिलेबस होगा, क्या एग्ज़ाम होगा। तो ये रहा नर्सिंग वालों के लिए, आपको ये पूरा नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर है कि आपको इंग्लिश में बस पेपर होगा, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में ना बैठे। मैं एक आपको TMC का पेपर सॉल्व करके बता दूंगी कि आपको पेपर कैसा आता है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ओनली 50 MCQs आएंगे, पर MCQ आपको 2 मार्क्स रहेंगे, 100 नंबर का पेपर होगा, 50 MCQs रहेंगे, आपको GK GS मैथमेटिक्स जो नर्सेस ए वाले हैं देने वाले हैं उनको आएगा, नर्सेस बी में भी वही आएगा, लेकिन इनमें साइकोलॉजी और नर्सिंग कम्युनिकेशन स्किल ऐड कर दिया जाएगा। फिर नर्सेस सी में आपको डिजास्टर मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट, नर्सिंग कम्युनिकेशन स्किल, साइकोलॉजी, ऑन्कोलॉजी सब कुछ आएगा। जनरल नर्सिंग का मतलब यहाँ पर आपने जो नर्सिंग में पढ़ा है वो सब यहाँ पर आपके इंक्लूड कर दिए जाएंगे। तो 50 मार्क्स हो गए आपके यहाँ पर। अब आपको एटलीस्ट पासिंग मार्क्स 25 तो लाने ही लाने हैं। फिर यहाँ पर आपका स्किल टेस्ट भी होगा, जिनकी मेरिट में नाम आता है बेस्ड ऑन रिटर्न एग्ज़ाम के, फिर आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट के बाद आपको यहाँ पर जिनका जो डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा है, ओल्डर कैंडिडेट है, उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर होगा। तो यहाँ पर जो भी लोग अप्लाई करने वाले हैं, तो यहाँ पर कहा है ऑनलाइन सबमिशन के लिए लास्ट डेट कही गई है 10 जनवरी 2023। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ जिन्होंने फॉर्म फिलअप नहीं किया है वो लोग प्लीज़ फॉर्म फिलअप करें, पूरा नोटिफिकेशन एक बार रीड आउट कर लें, देन आफ्टर आप फॉर्म भरें। तो SC ST वालों को 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, OBC को 3 साल का, PWD वालों को 10 साल का। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर कहा है ओनली 300 रुपीज़ लगनी है, बाकी जो SC ST फीमेल कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर कोई भी फ़ीस नहीं लगने वाली है। और भी कोई डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हैं, या फिर आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप जाएं, यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको जो हेल्पिंग वाला सेक्शन है, यहाँ पर आपको आपके जो भी डाउट्स हो तो वो क्लियर कर दिए जाएंगे। तो जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है प्लीज़ फॉर्म फिलअप कीजिए, आपका पेपर अच्छा आता है TMC का, आपको एज एन एग्जाम्पल के तौर पर एक ऑफिशियल पेपर आपको सॉल्व करके बता दिया जाएगा। थैंक यू, बाय बाय।